मैट अभी तक खेला गया यहाँ पर, लेकिन अब शुरुआत होने जा रही है BC4 फॉर्मेट की। और BC4 फॉर्मेट का इस सीज़न का ये तीसरा टूर्नामेंट है। दोनों भी टूर्नामेंट्स चैलेंज स्पोर्ट्स ने जीते हैं। गजब का प्रदर्शन चैलेंज टीम का इस सीज़न में देखने को मिल रहा है। दिनेश लेबन अपने पहले टाइटल के लिए बेताब है, एक तरह से जख्मी शेर की तरह दिनेश लेबन कुक से टीम। लेकिन मैगी लेबन को भी अपने पहले टाइटल का इंतज़ार है, अच्छा क्रिकेट खेलना होगा यहाँ पर ज़रूर। यदि एक मैच आप हार भी जाते हो तो बाउंस बैक करने का मौका आपके पास रहेगा, क्योंकि लीग फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं कुमार गुंड और उनके साथ प्रतीक पाटिल। कुमार गुंड खुद कप्तान, पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए और पहला ओवर लेकर हाईवे एंड से गेंदबाजी करेंगे मयूर केने। बायत के बेहतरीन गेंदबाज, नई गेंद को स्विंग कराने की कला जिनके पास है, अच्छा अनुशासन कई बार दिखा चुके हैं और नई गेंद से ब्रेक थ्रूज दिलाने में कामयाब हुए हैं मयूर केने। कप्तान नातिश को काफ़ी उम्मीद होगी मयूर से कि शुरुआती ओवर्स में सफलताएं दिलाए और दिनेश लेवन कुक से टीम पर दबाव बनाए। छः ओवर्स प्रति पारी का मुकाबला है और पहले दो ओवर्स पावर प्ले के रहेंगे। पावर प्ले के दौरान एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग कुमार के लिए और एक डीप मिड विकेट पर फील्डर रखा गया है। खेल की शुरुआत, पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद लेकिन उतना ही अच्छा ड्राइव बॉलर के बगल में से खेला मिड ऑफ की दिशा में, इससे पहले कि फील्डर पहुंचते गेंद पर आतिश एक रन दौड़कर पूरा किया। खाता खुला पहली गेंद पर कुमार गुंड का और दिनेश लेवन कुक से टीम का। दोनों भी काफ़ी शक्तिशाली टीमें हैं BC4 फॉर्मेट की। भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी जिसके अंतर्गत ये टीमें खेल रही है। राइट लेफ्टी का कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर। प्रतीक पाटिल पिछले कुछ सीजन में हमने देखा है इनका जलवा, बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक प्लेयर और मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेलने की क्षमता है। इम्प्रोवाइज क्रिकेट बहुत ही लाजवाब खेलते हैं प्रतीक पाटिल। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ दिग्गज कमेंटेटर सिद्दीक भाबे, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑन द राइज खेला है, टाइमिंग बढ़िया है इनफील्ड के ऊपर से लेकिन डीप में फील्डर मौजूद। ओहो अच्छा प्रयास था चिराग का लेकिन नहीं कैच पर कर पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। गजब का स्ट्रोक, ऑन द राइज खेला था, हालांकि हवा में था चिराग माली, जिस पोजीशन पे थे वहां से पहुंचना भी मुश्किल था और आखिरकार गेंद बाउंड्री के बाहर। देखिए प्रतीक पाटिल अजय गरत इस सीजन में बहुत अच्छे टच में, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। जी हाँ, ग्रामीण क्रिकेट में भी अच्छा खेल रहे हैं टिम्बोली के लिए और सिटी क्रिकेट में भी उनका एक अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अपनी बाई तरफ दौड़ते हुए कैच करने की कोशिश की थी चिराग ने लेकिन सफलता प्राप्त कर नहीं पाए। हालांकि गेंद में कोई खराबी नहीं थी और इस बार बिल्कुल सामने मिड ऑफ के ऊपर से सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, झन्नाटेदार सिक्सर। ग्रेट शॉट, थोड़ा आगे रख दिया था वहां पर मयूर केने ने। क्या शुरुआत हम देख रहे हैं एमजे सुपर लीग में दिनेश कुक से की। देखिए जूजी आफोली थी, बिल्कुल आंखों के नीचे लॉफ कर दिया, गेंद बल्ले से निकली उस पर मोहर थी 6 रनों की। टाइमिंग गजब की थी सिद्दीक जी, स्ट्रोक में ज़्यादा ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया, सीधे बल्ले का उपयोग करते हुए केवल मिड ऑफ को क्लियर करने के लिए देखा था लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि गेंद सीधे मैदान के बाहर चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। इस बार थोड़ा पैरों की तरफ रखा था गेंद को, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बगैर नुकसान के। देखिए BC4 चैंपियन ट्रॉफी और मैगी एले ट्रॉफी में हमने देखा था दिन के समय रन यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। हमारे बीच नियाज जमींदार, अमितुज्जमा, सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। चार बजकर 4 मिनट पर खेल की शुरुआत हुई है और समय की पाबंदी रहेगी, पहले 5 ओवर्स 25 मिनट के भीतर पूरे करना कंपलसरी है, नहीं तो आखिरी ओवर में ज़रूर पेनल्टी स्वरूप एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना होगा। मयूर एक बार फिर से, इस बार बिल्कुल स्लॉट में गेंद, उठा के खेल दिया है गेंद को, वाइड डिप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, कुमार के बैट से ये शानदार छक्का।
कमाल का स्ट्रोक खेला है वहां पे कुमार गुंड ने। जूसी ऑफ वाली थी, गेंद को लॉफ कर दिया सीधा वाइडी स्मिट विकेट पर, 6 रन। यहाँ पर जैसा आपने जिक्र किया कि दिन की रोशनी में जो मैचेस होते हैं वहाँ पर गेंदबाजों के लिए मुसीबतें होती है। एक तो मैदान ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाउंड्रीज थोड़ी छोटी है, आउटफील्ड भी तेज़ है, विकेट अच्छा खेलता है और इसीलिए बहुत मुश्किल रहता है गेंदबाजों के लिए। इस बार निकल के मारा है, हालांकि मेडॉन को बीट नहीं कर पाए, सीधे फील्डर के पास स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे सिंगल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आई। और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ धमाकेदार शुरुआत दिनेश 11 कुक से टीम की एमजे सुपर लीग 2024 में। पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 19 रन बिना किसी नुकसान के। आई थिंक वेरी एक्सपेंसिव ओवर टर्न फ्रॉम मयूर केने, कंसीडर 19 रन्स। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 19। विदाउट लॉस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर दिनेश 11 कुक से, लूजिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 19 रन बने। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए खेल की शुरुआत होती भी मीनार विलेज एंड से गेंदबाजी को देखना है। बिग बर्ड ऑफ रानाल चिराग मालिक को लगाया, इसका रीज़न है कि पहले ओवर में रन ज़्यादा आए और आतिश भामड़े चाहते हैं कि यहाँ रन कम आए। नियाल जमींदार हमारे बीच में, मशहूर हमीदुज्जमा, मैगी 11, मांगीलाल पालीवाल फैम टीम है, भिवंडी के धनवान जिनका शो आपने देखा, और भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम है दिनेश कुक से। चिराग माली सामने की ओर से आते हुए कुमार गुंड को स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी शॉट है, गेंद सीधी उन्हीं के गांव में, 6 रन। गजब का स्ट्रोक, और कुमार गुंड आज बहुत ही अलग टच में नजर आ रहे हैं। आपने उनसे सवाल भी किया था कि आपका कहीं ना कहीं जो फॉर्म है उतना बेहतरीन अभी तक रहा नहीं है, क्या इस टूर्नामेंट से वो फॉर्म हमें देखने को मिलेगा जिसके लिए आप जाने और पहचाने जाते हो, और कुछ वही अंदाज अब नजर आ रहा है कुमार गुंड का। गेंदबाज भी कुछ ना कुछ गलतियां जरूर कर रहे हैं, ये गेंद भी काफ़ी आगे रखी हुई थी, बिल्कुल स्लॉट में पिच हुई थी, और कुमार गुंड के सामने इस तरह की गेंदबाजी नहीं की जा सकती है। सिक्सर के साथ स्वागत होता हुआ इस मैच में गेंदबाज चिराग माली का। एग्जैक्टली जिस खेल के लिए वो जाने जाते हैं उसी की शुरुआत की। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन बिना किसी विकेट के, फ्लाइंग स्टार्ट हम कहेंगे। 70-70 पे इसका सीधा टेलीकास्ट आ रहा है तारीफ सैयद की जादुई दुनिया। उन व्यूवर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो इस वक्त 70-70 पे इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं। बॉल अगर गुम होता है तो नई गेंद दी जाएंगी। फ्रेंड सर्कल ग्रुप बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव पंच किया, थंपिंग कवर ड्राइव, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पहले लेंथ में गलती, अब लाइन में गलती। इस बार लेंथ थोड़ी पीछे रखी हुई थी लेकिन लाइन देखिए काफ़ी जगह मिली थी कुमार को, बैकफुट पर चले गए और बिल्कुल कवर पॉइंट पर जो खिलाड़ी है उनके दाहिनी तरफ से निकालने में कामयाब रहे। हवा में ज़रूर थी गेंद लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब हुए, टाइमिंग बढ़िया थी और 4 रन। इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर, 6 रन। आज बहुत ही विंटेज नजर आ रहे हैं कुमार गुंड, बहुत ही आकर्षक और धुआंधार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। पहले ओवर में प्रतीक पाटिल और इस ओवर में कुमार गुंड। कुमार ने पहले ओवर में भी एक छक्का जड़ा था। कुल मिलाकर 3 सिक्सर्स कुमार गुंड के बैट से निकल चुके हैं। कप्तानी पारी खेलने के इरादे से ही मैदान में उतरे हैं और रन संख्या देखते ही देखते 35 पर पहुंच चुकी है, 35 विदाउट लॉस दिनेश 11 कुक से। मात्र दूसरे ओवर का खेल चल रहा है
और अभी भी इस ओवर में 3 गेंदे शेष है। अब एक वहाँ पर टीम कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही है कि क्या किया जाए। गेंदबाज को जरूर अपने लाइन लेंथ को लेकर काफी सतर्क रहना होगा, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। बिल्कुल, क्या किया जाए, हर एक लम्हा शबे गम है क्या किया जाए, उम्मीद है सुबह बहुत कम है क्या किया जाए, और समोल ये है जमाने के गम तबस्सुम में, जमाना इस पे भी बड़ा है क्या किया जाए, लेकिन क्या करते हैं देखना है। इस मरतबा खराब शॉट सिलेक्शन। शायन अंसारी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। थोड़ा सा टेम्पटेशन कहीं ना कहीं थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर उसको देखते हुए शायद सीधे बैट से, हालांकि बहुत बढ़िया शॉट्स खेले हैं कुमार गुंड ने, लेकिन कुछ अलग करने का प्रयास और बीट हुए। चिराग माली, बिग बर्ट इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी हैं, एक रन आता हुआ स्कोर में। देखिए तमाम टीमें इस बात को सुन लें, बॉल अगर गुम हुआ तो नया दिया जाएगा, ड्यू फैक्टर जब इफेक्ट करेगा तो 3 गेंदे खेलना कंपलसरी है, उसके बाद ही नया बॉल दिया जाएगा। फ्रेंड सर्कल ग्रुप आप तक लाया है MJ ट्रॉफी और MJBC4 सुपर लीग। थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन ना, पिछली गेंद पर थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी और कटर की तरह किया था उन्होंने, धीमी गति की वो शॉर्ट बॉल थी। लूटमार मचा रखी है पावर प्ले में, कुल मिलाकर 36 रन आ चुके हैं। चिराग माली इस मरतबा इनफील्ड के ऊपर से टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, पहले बाउंस पर 4 रन, रिवायती शॉट और सही सोच की बल्लेबाजी, क्योंकि मिडॉन सर्कल के अंदर था, उसको टपकाना था वही किया, पैरों की तरफ आती हुई गेंद थी, बॉटम हैंड को इस्तेमाल में लाए, हवा में खेला जानबूझकर इनफील्ड के ऊपर से खूबसूरत चौका, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक प्रतीक पाटिल के बैट से, और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। क्या पावरफुल शुरुआत है दिनेश 11 कुक से टीम की, रन संख्या 40 बगैर नुकसान के। अगर सिटी क्रिकेट BC4 की बात करें तो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बने थे पिछले साल रईस बिल्डर ट्रॉफी में, गयासुद्दीन शेख बालाजी की तरफ से खेलते हुए और उनके पार्टनर ने 2 ओवर में 57 रन बनाए थे जो रिकॉर्ड है। 2 ओवर के लिए आपने 11 मिनट का समय लिया है। इस सीजन के हाईएस्ट टोटल की अगर बात करें तो रिद्धि सिद्धि के नाम है मैगी ट्रॉफी में 104, और ओवरऑल अगर हाईएस्ट टोटल की हम बात करें तो रिकॉर्ड बना था बाली ट्रॉफी में 12 मार्च को, जब शिवास के बल्लेबाजों ने 145 रन बनाए थे 12 मार्च 2023। क्या बात है, ये 12 मार्च जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने देखा था 2006 में, वो 434 रन बने थे और चेस भी हुए थे। यस, 438 के लक्ष्य को छुआ था साउथ अफ्रीका ने 12 मार्च 2006। 12 जनवरी का भी एक अलग ही अंदाज है, बी इंडियन ने हाईएस्ट चेसिंग का रिकॉर्ड जो बनाया था वो 12 जनवरी 2018 को बनाया था धनेश कुकसे के सामने। बहरहाल यहाँ पर विकेट की सख्त ज़रूरत है मैगी 11 को। टॉस तो जीता आतिश भामरे ने और लग रहा था कि शायद कप्तान नई गेंद का इस्तेमाल करेंगे, और नई गेंद का इस्तेमाल अच्छा करते भी है, लेकिन अभी तक कप्तान ने गेंदबाजी नहीं की है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन किया जा रहा है कौशल पाटिल आक्रमण पर आते हुए। लंबे कद के हैं कौशल पाटिल, देखिए दिन का मुकाबला है, 70-70 की गेंद है, लगा तो 6, और अब कह सकते हैं हम कि कई बार लगा है और कई बार 6 भी गया है। जहां 12 गेंदों के भीतर 4 छक्के जड़े जा चुके हैं और 3 चौके, 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाती हुई दिनेश 11 कुक से टीम, और यदि यही रफ्तार आखिर तक कायम रही तो इस सीज़न का सबसे बड़ा टोटल देखने को मिलेगा BC4 फॉर्मेट का, 120 रन बन सकते हैं 6 ओवर्स में, लेकिन वापसी कर सकते हैं गेंदबाज। राउंड द विकेट से फुलर लेन गेंद खोद कर निकाला है, गेंद जा रही है वाइड डिश मिडॉन की तरफ, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। कुमार ऑफ स्ट्राइक हो गए, स्ट्राइक अब प्रतीक पाटिल के पास, रन संख्या 41 बिना किसी नुकसान के। कई बार हमने देखा है कि चिराग को गेंदबाजी नहीं दी जाती है, लेकिन आज चिराग को गेंदबाजी दी गई और वो भी पावर प्ले के दौरान, लेकिन ये जो पैंतरा यूज़ किया गया वो कहीं ना कहीं विफल रहा है मैगी 11 की ओर से। कौशल पाटिल से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, एक बहुत ही बेहतरीन उभरते हुए सितारे हैं, बढ़िया गेंदबाजी लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक, यॉर्कर लेंथ गेंद थी, सामने ड्राइव किया है, फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा।
अजय देखिए पावर प्ले खत्म हुआ है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन हट गया है और लगातार कुशल पाटिल ने दोनों गेंदे बैट्समैन के सामने रखी और वी की शक्ल में जब आप खेलते हैं और फील्डर रहता है तो सिंगल ही आता है। अगली दो टीमें टॉस के लिए तैयार है। अमीदुज़्ज़मा फैम टीम मायरा स्पोर्ट और अल्ताफ बाली फैम टीम पाइनियर स्पोर्ट। हालांकि कौशल के पास एक एडवांटेज ये भी है कि पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन लगातार यॉर्कर लेन पर रख रहे हैं, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं है डीप में, बहुत अच्छा कैच, पहली सफलता अपने टीम को दिलाते हुए कौशल पाटिल। लालच में आ गए थे ओवर पिच गेंद पे, कहते हैं लालच बुरी नहीं खूबसूरत बला है, एक बार गले लग गई तो गला ही दबाती। किस तरह से मिड विकेट बाउंड्री पे आउट हुए बैट्समैन, पहला झटका लगा यहाँ पर, अच्छी बल्लेबाजी के बाद लौटे। आसिफ रंगरेस हमारे ऑफिशियल स्कोरर हैं, सरनेम भी रंगरेज हैं और रंग भरे पेन भी यूज़ कर रहे हैं। 26 रन बना के आउट हुए कुमार गुंड। आप देख रहे हैं एमजे सुपर लीग आप तक लाए हैं फ्रेंड सर्कल ग्रुप कराले, इस वक्त बहुत कुछ करते हुए भूपेश कराले, लेकिन शुभम नाइक एक ऐसा हिस्सा है 70-70 का। तारीफ सैयद की ये जादुई स्पोर्ट्स दुनिया है। खूबसूरत टूर्नामेंट का खूबसूरत टेलीकास्ट 70-70 स्पोर्ट्स पर सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। 42 पर गिरा है पहला विकेट दिनेश 11 कुक से टीम का। ये तो केवल शुरुआत है सिद्दीक जी, पहला ही मैच है और टूर्नामेंट में आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। नए बैट्समैन विनीत माली वन डाउन खेलने के लिए आए हैं दिनेश 11 कुक से टीम की ओर से। 10 गेंदों में 26 रनों की अच्छी पारी खेली कप्तान कुमार गुंड ने, जिसमें उन्होंने 3 छक्के जड़े और 1 चौका। विनीत माली हालांकि इनकी गेंदबाजी के ज़्यादा चर्चे रहे जब नए नए आए भिवंडी सिटी क्रिकेट में, लेकिन बल्ले से भी वो जलवा दिखा चुके हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं। लोफुल टॉस स्वीप किया है, फील्डर को भेद नहीं पाए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सिंगल ही मिलेगा यहाँ पर, खाता खोलते हुए सिंगल के चलते विनीत माली। यस आई थिंक स्लाइटली रिस्की स्ट्रोक प्लेड बाय विनीत माली, बॉल इज ऑन द स्टम्प एंड ही स्विप्ड एज बॉल स्ट्रेट टू फील्डर। रणनीति स्पष्ट है कौशल पाटिल की, एक तो बहुत अच्छी हाइट है उनकी, डिसेंट हाइट है, और वो जब यॉर्कर डालते हैं तो इतना आसान नहीं होता है बल्लेबाजों के लिए खेलना, क्योंकि डिप होकर गेंद आती है और अच्छी रफ्तार के साथ भी डाल रहे हैं, ज्यादातर यॉर्कर लेंथ पर रखने का प्रयास किया है। इस बार लेंथ बॉल मिस टाइम स्ट्रोक लीडिंग एज, फील्डर गेंद के नीचे खुद कैप्टन और कोई गलती नहीं, एक और विकेट प्राप्त कर लिया है कौशल पाटिल ने। गजब की गेंदबाजी, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, जहां पर पहले 2 ओवर में 40 आए अजय करत, इन्होंने अब तक 5 गेंदों पर 3 रन दे के 2 विकेट लिए। देखिए क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी चीजें बदल जाती है और देखिए बदल गया है मैच। आसमान में बादल छाए हुए, टेनिस क्रिकेट में एमजे ट्रॉफी और एमजे सुपर लीग छाया हुआ है। स्वागत है आप सभी का सुहानी शाम में। ऐसा लगा कि शायद फिर से यॉर्कर की ही प्रतीक्षा कर रहे थे प्रतीक पाटिल, लेकिन लेंथ बॉल और हल्की सी मूवमेंट थी, बहुत अधिक भी नहीं, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, लीडिंग एज लगा और एक आसान सा कैच वहाँ पर कैप्टन आतिश भामरे के लिए शॉर्ट कवर पॉइंट की दिशा में, दूसरा झटका लगा है। गजब की गेंदबाजी, इस ओवर में 3 रन मात्र खर्च किए हैं और 2 सफलताएं प्राप्त की है कौशल पाटिल ने, जिसके लिए उनको लाया गया था वो काम उन्होंने कर दिया है। 43-2 इस समय दिनेश 11। भावेश पवार ऊपर आए हैं बल्लेबाजी को, क्योंकि उनको पता है पिछले कुछ दिनों से पीछे आने में टीम पीछे हो गई, खास तौर पर रनों का पीछा करते हुए। फाइनल मैच में हमने देखा मैगी ट्रॉफी में आखिरी ओवर में एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। कौशल के ओवर की आखिरी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, टॉस है और ये जाएगी लगता है बाहर, या फिर भावेश पवार, जी हाँ भावेश पवार जाएंगे बाहर। गजब का कैच डीप मिड विकेट की दिशा में प्रणय भोईर द्वारा, गजब का कैच। आई थिंक ये आधा विकेट प्रणय भोईर का है, क्या कैच पकड़ा है प्रणव भोईर, एक लम्हे लगा था कि शायद गेंद मिड विकेट के ऊपर जाए, और ये देखिए अजय गरत, एक बात कहूंगा, भावेश पवार को पता था पिछले कई मैचेस से वो थोड़ा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल करते थे, आज जिस तरह कुमार गुंड ने शुरुआत की वो भी करना चाहते थे, लेकिन मैं जिनके बारे में अक्सर कहता हूँ
ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते अक्सर हीरो बन जाते हैं, कभी कभी जीरो, अब जीरो पे वो डगआउट लौटते हुए। लोकल बॉय ने कमाल किया है, प्रणव भोईर बिनार के खिलाड़ी है, और क्या जबरदस्त उनका एंटिसिपेशन था, बाउंड्री लाइन के काफी करीब थे, इतना आसान नहीं था ये कैच। और क्या ओवर रहा वहां पर कौशल पाटिल का, तीन ओवर, एक ओवर तीन रन और तीन विकेट, एक रन विकेट, एक रन विकेट विकेट, अगले ओवर में वो हैट्रिक पे रहेंगे जहाँ मौका है उनके पास, और जिस तरह से गेंदबाजी की है लगता तो है कि दूसरा ओवर भी मिलेगा ही उनको। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर हुआ है 43, 43 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। दिनेश इलेवन कुक की टीम इस एमजे सुपर लीग 2024 के उद्घाटनीय मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई, शुरुआत धमाकेदार रही, पावर प्ले में बल्लेबाजों का राज रहा, प्रतीक पाटिल और कुमार गुंड ने 40 रन जोड़े पहले दो ओवर्स में, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ गेंदबाज छाए रहे पिछले ओवर में, खासतौर पर कौशल पाटिल तीन रन देकर तीन विकेट्स, और अब नए बल्लेबाज वैभव पाटिल आए हैं नंबर पाँच पर, विनीत माली और वैभव की जोड़ी क्रीज पर। यह अच्छा मौका है बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का मैगी इलेवन के पास, कुछ और विकेट यदि चटकाते हैं तो जरूर, जो लग रहा था हमें कि स्कोर कहीं ना कहीं 100 के पार जा सकता है उसको शायद 80 के नीचे भी लाया जा सकता है। यस, आई थिंक दिस इज द ग्रेट कैप्टनसी फ्रॉम आतिश भांबड़े, ही पुट आउट किशोर मुकादम इनटू द अटैक, एंड ऑफ द थर्ड ओवर स्कोर इज दिनेश इलेवन कुक से 43 फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट, किशोर मुकादम फेसिंग हिम विनीत माली, दिस इज द गुड बैटल, गुड कैप्टनसी फ्रॉम मैगी इलेवन कैप्टन आतिश भांबड़े, मांगीलाल पालीवाल फैम टीम। दिस टाइम हुक्स डैश बॉल इनटू द स्टैंड, ग्रेट शॉट, सिक्स रन्स, कमाल का स्ट्रोक, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, और जब फिरकी आक्रमण करने वाले गेंदबाज आते हैं तो उनके लिए भी और ज्यादा मुझे लगता है कि मार्जिन फॉर एरर कम हो जाता है। यही गेंद यदि तेज गेंदबाज करते हैं उस लेन पर तो लगता है कि इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन जब स्पिनर डालते हैं तो समय ज़्यादा मिलता है बैट्समैन को। गेंद टर्न जरूर हुई थी लेकिन अच्छे पोजीशन में आकर हुक किया और गेंद को डिपॉजिट किया मैदान के बाहर। वेट एंड ग्रेट शॉट, विनीत लुकिंग इन गुड टच दिस टाइम, ब्यूटी ब्यूटी गोइंग वे टू द बैट्समैन, बैट्समैन ट्राई टू पुल, वाजंट अ शॉर्ट डिलीवरी, बैट्समैन इन ट्रबल, no damage has been done, score is 49 for the loss of 3 wicket. You are watching MJ Trophy City merging, but just now MJ Super League BC4. This time once more fine delivery, they threw for a direct hit, Yas is out, Vaibo Patil is out for Golden Duck without face any ball. इससे पहले कमाल का कैच प्रणव भोईर द्वारा देखने को मिला, और अब की बार विकेट कीपर यतीन मडवी ने कमाल किया है, सिंगल चुराने की चेष्टा हुई थी, स्लॉक करना चाहते थे ऑन साइड में, ठीक तरह से बल्लेबाज खेल नहीं पाए थे वहां पर विनीत माली, और विकेट कीपर को जरा देखिए आगे बढ़े, गेंद को उन्होंने उठाया और उसके बाद एक ही एक्शन में तुरंत उसको थ्रो भी किया है, ये इतना आसान नहीं था, लेकिन सटीक निशाना और वैभव थोड़े से दूर रह गए, सही फैसला अंपायर का, अच्छा निर्णय अंपायर रमीज रईस का। नॉट अ गुड डे फॉर वैभव पाटिल, एंड फाइनली सेट बैक टू द पवेलियन फॉर गोल्डन डक, स्कोर इज 49 फॉर 4, 40 विदाउट लॉस एंड 49 फॉर 4, जहां 42 पर पहला विकेट गिरा था 42 पर, लेकिन अब पारी लड़खड़ा रही है दिनेश इलेवन कुक से टीम की, और यही तो मजा है भिवंडी सिटी क्रिकेट का। Go east or west, BC4 cricket is the best. Kirti Raj with us playing in Mahara Sport. New batsman Suraj Kene. I think he is not 100% fit. आमतौर पर टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, लेकिन जहां मैगी ट्रॉफी के फाइनल मैच में थोड़े इंजर्ड हुए थे। This time, very good delivery on the stump, loose bottom and push in covers, gentle push and they threw for one. Suraj Kene off the mark with single and his score is 50
फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। चौथे ओवर में टीम का 50 स्कोर बोर्ड पर लगा है, अभी भी स्थिति अच्छी है, हालांकि 4 विकेट जरूर गिरी है। मुकदम कंटेन, बैट्समैन कीप एंड क्वाइट, दिस टाइम रिवर्स शॉट, व्हाट अ ग्रेट स्ट्रोक, दिस इज द डिफरेंट क्रिकेट फ्रॉम विनीत माली, ही इज लुकिंग वेरी एग्रेसिव एंड अगेंस्ट मुकदम। और क्या अद्भुत शॉट्स खेल रहे हैं, इससे पहले गेंद के लाइन के अंदर आते हुए उन्होंने हुक शॉट खेला था और अब भी हुक शॉट ही खेला है, लेकिन ये स्विच हिट के जरिए हुक शॉट किया उन्होंने, जबरदस्त स्ट्रोक विद द स्पिन खेला और 6 रन हासिल किए। विनीत माली ऑन 13 हेल्प अप 2 ग्लोरियस 6, दिस टाइम ऑन द स्टंप्स इक्वली प्लेड, टकिंग ऑन द ऑनसाइड एंड दे थ्रू फॉर 1, दैट मार्क्स एंड ऑफ द 4th ओवर। धनेश कुक से लूजिंग अ टॉस बैटिंग फर्स्ट ईयर against Maggie 11, they are exactly 57 for 4 wicket. Welcome all of you, you are watching MJ Super League in BC4 format. 57 run 4 wicketon ke nuksan par 4 over ke pachhat Dinesh 11 Cook se team. Agla match group A ka ek aur mukabla rahega, bada match Pioneer Sports banam Myra Sports. Dono bhi teamon ke captain se request hai, aapko toss ke liye taiyar rehna hai. अच्छा खेल देखने को मिला है, शुरुआती ओवर्स में खासतौर पर पावर प्ले में बल्लेबाजों का राज रहा था, सलामी बल्लेबाजों ने बहुत ही आकर्षक शुरुआत दिलाई। कुमार गुर्ग और प्रतीक पाटिल ने 10 गेंदों में 26 रनों की अच्छी पारी खेली कैप्टन कुमार ने, उसके बाद प्रतीक 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए, भावेश पवार शून्य पर आउट हुए हैं, वैभव पाटिल रन आउट हुए, वो भी खाता नहीं खोल पाए, तो 4 बड़ी सफलताएँ अभी तक अर्जित की है मैगी 11 के खिलाड़ियों ने, खासतौर पर कौशल पाटिल की तारीफ करनी होगी, एक ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट्स, सबसे सफल गेंदबाज और एकमात्र सफल गेंदबाज अभी तक इस पारी में। मयूर केने ने गेंदबाजी की शुरुआत की, पहले ओवर में 19 रन खर्च किए, चिराग माली को दूसरा ओवर दिया गया था, 21 रन उनके ओवर में बल्लेबाजों ने लूटे थे, उसके बाद कौशल पाटिल का वो शानदार ओवर 3 रन देकर 3 विकेट्स। किशोर मुकादम के ओवर में विकेट जरूर गिरा, लेकिन 2 बड़े हिट्स भी आए, बैट्समैन रन आउट हुए थे वैभव पाटिल, और कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए किशोर ने अपने ओवर में, तो इस समय ठीक 14.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं दिनेश 11 कुकसिर के बल्लेबाजों द्वारा, और कम से कम इस रफ्तार को तो मुझे लगता है कि कायम रखना चाहेंगे बल्लेबाज, और खासतौर पर विनीत माली बहुत अच्छे टच में नजर आए हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। कौशल पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए, अजय क्या सोच होना चाहिए, लेकिन कप्तानी भी तो आतिश भामरे कमाल की कर रहे हैं, क्या सोच होना चाहिए, क्या लगता है आपको, नियरेस्ट 100 80 80 प्लस 90? मुझे ये लगता है कि जो करंट रन रेट है उसको कम से कम वो मेंटेन करना चाहेंगे, 14 रन प्रति ओवर यानी कि 85 के करीब टोटल बनाना चाहेंगे, और यदि ये 2 बल्लेबाज आखिर तक खेलेंगे तो शायद उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि दोनों भी बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हैं, लेकिन गेंदबाजी भी तो अच्छी है, कौशल ने गेंदबाजी लाजवाब की है इस मैच में। लेंथ बॉल ऊपर लगी है बल्ले के, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, हैट्रिक, हैट्रिक पूरी, कौशल पाटिल ने कमाल कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और शानदार कैच भी। और अगर हम देखें तो BC4 फॉर्मेट की ये 6th हैट्रिक है, पहला हैट्रिक प्रेम चौहान ने किया था, 4 हैट्रिक मैगी ट्रॉफी में हुए, और ये 6th हैट्रिक इस वक्त कर रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए अपने हाइट का यहाँ पर अच्छा फायदा उठाया है उन्होंने, और गेंदे भी अच्छी की, या तो उन्होंने गुड लेन पे रखी या तो आगे रखी, देखिए कितना अच्छा एनालाइज करते हैं सलमान अंसारी, कह रहे हैं कि वाकई में देखिए दर्शक भी कितना, कि ऐसा लग रहा है कि कौशल पाटिल कोई और विकेट पे गेंदबाजी करें और बाकी गेंदबाज और विकेट पे, ये है भिवंडी का क्रिकेट। और देखिए फर्क पूरी तरह से स्पष्ट है, क्योंकि हमने देखा मयूर केने और चिराग माली ने जो गेंदबाजी की थी कहीं ना कहीं स्लॉट में गेंदबाजी ज़्यादा हुई थी और उसका फायदा उठाया था कुमार गुंड और प्रतीक पाटिल ने, लेकिन इनकी लेंथ काफ़ी अलग रही है, शुरुआत तो यॉर्कर गेंदों से की उन्होंने और बीच में जो लेंथ बॉल्स उन्होंने डाले हैं वो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज पैकेज रहा है बल्लेबाजों के लिए। और अजय सबसे बड़ी बात है कि कप्तानी भी तो बहुत लाजवाब की है आतिश भामरे ने, जिस तरह चेंजेस किए। नए बल्लेबाज नंबर 7 पर योगेश पाटिल योगी अंपायर से गार्ड लेते हुए, एक नए सिरे से पारी की शुरुआत करनी होगी दिनेश 11 कुक से टीम को, नहीं तो फिर
इसी तरह से विकेटें गिरती रही तो फिर 70 तक पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि 11 गेंदें अभी भी शेष है। बहुत अच्छी गेंद जड़ में रखा था, लेकिन उतना ही खूबसूरत ड्राइव, बॉलर बैक पास ड्राइव, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा। खाता खोलते हुए सिंगल की मदद से योगी। नाइसली प्लेड, ही लव टू प्ले इन फ्रंट ऑफ द विकेट। देखिए पहले तो हम जीतू गौली का नाम लेंगे, सचिन गायकॉड, जुल्फिकार मोमिन, जरार मुल्ला और योगी, ये वो बैट्समैन है आकाश पाटिल जो सामने खेलने ज्यादा पसंद करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द विकेट। सूरज केने भी है उसमें शामिल, लेकिन इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे। फिर से यॉर्कर लेन पर गेंद, अच्छी गेंदबाजी। दिस इज द क्लास बॉलिंग, दिस इज द एक्सलेंट बॉलिंग सोफा फ्रॉम ए यंग मैन कौशल पाटिल। चार फील्डर ऑफ साइड में, पांच खिलाड़ी ऑन साइड में। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार ऑफ कटर, अच्छी गेंद, ठीक तरह से खेल नहीं पाए लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। कुछ भी समझ नहीं पाए थे इस ऑफ कटर के बारे में सूरज के ने, सिंगल मिलता हुआ सूरज को। सबसे बड़ी बात थी कि ऑफ कटर भी थी और टिप्पा खाने के बाद उसमें अतिरिक्त उछाल भी था और कट के चेहरे के सामने लग रहा है कि सूरज के ने पूरी तरह फिट नहीं है। बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है और लंबे ऊंचे कद के, उसका फायदा मिल रहा है उनको। लेंथ पर जब रखते हैं तो वहां पर अतिरिक्त उछाल मिलता है। फुल टॉस, ये जाएगी बाहर, तान दिया है आसमान में, डीप मिड विकेट के ऊपर से योगेश पाटिल के बल्ले से झन्नाटेदार सिक्सर। गजब का शॉट, आप दिन भर उनको ये गेंद करेंगे, दिन भर मारेंगे, क्योंकि योगी एक ऐसे बैट्समैन है जो ताकतवर शॉट के लिए जाने जाते हैं। पूरी ताकत को झोंक दिया, गलती कर बैठे पहली मर्तबा कौशल पाटिल। देखिए अजय, दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। जी हाँ, 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 65 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर धनेश 11 कुक से और मैगी 11 के बीच में ये आज का पहला मार्का है एमजे सुपर लीग 2024 का। पहली कमजोर गेंद इस स्पेल में डाली है और यॉर्कर डालने में ये समस्या जरूर रहती है, थोड़ा भी आप लेंथ में चूक जाते हो तो उस पर मार पड़ती है। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नजर नहीं आ रहा है। चार चार खिलाड़ी आए थे, सबके बीच में जाकर गिरी है सर्कल के अंदर, वहां पर मिड ऑन या फिर मिड विकेट की तरफ कोई भी फील्डर नहीं था, नहीं तो जरूर एक और विकेट मिल सकता था और फाइफर कंप्लीट हो सकता था, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। चार विकेटें चटकाई अपने स्पेल में कौशल पाटिल ने, उनका सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 5 ओवर का खेल भी पूरा हुआ, टीम का स्कोर है इस समय 66, 66 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर धनेश 11 कुक से। इस सीजन के पहले हैट्रिक की थी प्रेम चौहान ने महिंद्रा स्पोर्ट्स के BC4 चैंपियन ट्रॉफी में, दूसरा हैट्रिक मनोज घाटाल ने किया था मैगी में, तीसरा हैट्रिक नैनेश्वर मुकादम ने, नैनेश्वर शिल्के ने किया था चैलेंज के मैगी में। जीत पाटिल रिद्धि सिद्धि के हैट्रिक कर चुके थे, पांचवा हैट्रिक वसीम खान के नाम था और छठा हैट्रिक BC4 फॉर्मेट में। अजय, आपकी मालूमात के लिए कि पिछला BC4 का जो सीजन गुजरा है उसमें सबसे ज्यादा हैट्रिक हुए, 34 हैट्रिक। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए किशोर मुकादम, कहते हैं कि बंदे में है दम, नाम है किशोर मुकादम। थोड़ी देर में ये खिलाड़ी भी ना समझने वाला खिलाड़ी बन जाएगा, जिस तरह देखिए इस खिलाड़ी का क्रेडिट अल्ताफ बाली को जाता है, BPL 2 में उन्हें फॉर्म भरने का और वो चमक गए। इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कोई बात थ्रो लगा है और बैट्समैन रन आउट। यतीन मडवी आज कमाल कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने वैभव पाटिल को रन आउट किया था और उनके निशाने बिल्कुल सटीक लग रहे हैं। सिंगल चुराने की कोशिश थी लेकिन बहुत मुश्किल था इस गेंद पर रन बनाना, अंडर आर्म थ्रो और सीधे स्टंप्स पर। तो इस तरह से योगेश पाटिल ला अर्थात योगी रन आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए छठा विकेट गवा दिया है धनेश 11 कुक से टीम ने, स्कोर है 66 रन। BC4 फॉर्मेट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है हमेशा के लिए, ये वो फॉर्मेट है जो भारत देश में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज भिवंडी में है।
हालांकि जहां तक पहले रन का ताल्लुक है, इस सीजन का पहला रन ईशांत ने बनाया स्वयं के, पहला सिक्सर और पहली बाउंड्री ईशांत के निशान पाटिल ने लगाई, पहला विकेट चैलेंज के रितेश धुमाल ने लिया, पहला कैच प्रशांत पाटिल चैलेंज, पहला रनआउट किया त्रिमूर्ति गायकर ने चैलेंज के, पहला गोल्डन सिक्स सूरज पाटिल बर्फानी बाबा, पहली बाउंड्री गोल्डन बाउंड्री लगाई मिस्टर नाइक ने महिंद्रा के, और पहला हैट्रिक प्रेम चौहान के नाम है, पहला चौकों का हैट्रिक बिलाल शेख के नाम, पहला अर्धशतक बिलाल शेख के नाम, पहला सिक्सर का हैट्रिक सूरज पाटिल के नाम। जड़ में गेंद थी, बहुत बढ़िया ऑन ड्राइव, बिल्कुल बैकलिप को नीचा करके, लेकिन प्रोटेक्शन था थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि सूरज किने पूरी तरह फिट नहीं है, हालांकि ड्राइव बहुत अच्छा लगा था। अब शॉर्ट पॉकेट शॉर्ट गन ऑफ दीवा अजय भोयर बहुत दिनों के बाद बल्लेबाजी को आए हैं, बहुत ही क्लासिक बल्लेबाज माने जाते हैं अजय भोयर। इस आखिरी ओवर की शुरुआत अच्छी की है किशोर मुकादम ने, थोड़ा तेज फायर कर रहे हैं और फुलर लेन की गेंदबाजी करने का प्रयास अभी तक किया है। कहां पे 100 रन और कहां पे 67, स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई, पहले बाउंस पर 4 रन। अच्छा स्ट्रोक प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया, दो खिलाड़ियों के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब रहे और गेंद को निकाला इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके से अपनी पारी का आगाज करते हुए अजय भोईर 4 रनों से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 71, 71 रन। हालांकि BC4 चैंपियन ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर थे मनोज घाटाल बर्फानी बाबा, बेस्ट बैट्समैन थे बिलाल शेख और मैन ऑफ द सीरीज थे प्रीतेश पाटिल। खेल की शुरुआत होती हुई, बढ़िया ड्राइव मिस फील्ड 1-2 का 4, 4 रन, कैप्टन थे वहां पर, अच्छा ड्राइव, शॉट बहुत ही उमदा था इसमें कोई संदेह नहीं है सिद्दीक जी, लेकिन निश्चित रूप से इसको रोका जा सकता था, बहुत ही स्लॉपी वर्क, खुद कप्तान थे वहां पर कवर पॉइंट की दिशा में, साधारण स्तर की फील्डिंग और 4 रन मिले अजय भोईर को। लगातार दूसरा चौका निकलता हुआ अजय के बैट से। अगला मैच पाइनियर स्पोर्ट्स और मायरा स्पोर्ट्स के बीच में बड़ा संघर्ष, फिर स्वीप किया है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डर आए डीप में, थ्रो पहुंचा है उनका, रन लेना चाहते थे आउट हो गए वहां पर अजय भोईर, नॉट आउट दिया है क्योंकि दोनों खिलाड़ी एक साथ भागे नहीं थे। एक रन आता हुआ स्कोर 76, कितनी गेंदें बची आसिफ, एक गेंद बची है। किशोर मुकादम खींच के मारा है गेंद काफी देर आसमान में, फील्डर नीचे, अब की बार कोई गलती नहीं और आउट हो गए बैट्समैन। तो कुल मिलाकर एक लम्हे 42 पे कोई विकेट नहीं था, कुल 76 रन बने, 77 की चुनौती रखी है इस मुकाबले को जीतने के लिए मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 के सामने। आप देख रहे हैं MJ सुपर लीग, शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है और क्योंकि आज बादल है और हल्का सा उजाला है, जब से मेरे आंगन में थोड़ा सा उजाला है हर शख्स ये कहता है दिन डूबने वाला है, मैं अपनी तबाही की तारीख लिखूं कैसे, गैरों की भी साजिश है तेरा भी हवाला है। स्वागत है आप सभी का सुहानी शाम में, इसके बाद एक और कड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं जहां पर पाइनियर स्पोर्ट अल्ताफ बाली फैम टीम दो दो हाथ लेंगी हमीदुज्जमा फैम टीम मायरा स्पोर्ट से। गजब की वापसी रही है इस मैच में, मैच के पहले हाफ में मैगी 11 की, पावर प्ले में गेंदबाज अस्त व्यस्त नजर आ रहे थे लेकिन पावर प्ले के बाद जो गेंदबाजी हुई, खासतौर पर कौशल पाटिल ने हैट्रिक चटकाई, दो ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च किए उन्होंने, 4 सफलताएं अर्जित की और सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए किशोर मुकादम। जरूर थोड़े खर्चीले साबित हुए लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने भी जरूर प्रयास अच्छा किया, मयूर के ने काफ़ी महंगे साबित हुए थे और चिराग माली का सबसे
एक्सपेंसिव ओवर 21 रन खर्च किए उन्होंने, लेकिन 76 पर रोका है दिनेश इलेवन जैसी तगड़ी टीम को। और यहाँ पर विकेट तो अच्छा है, रन्स बनते हैं, चेस किए जा सकते हैं। बैटिंग कार्ड प्रतीक पाटिल और कुमार गुंड आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए। 6 गेंदों में 16 प्रतीक ने बनाए, 10 गेंदों पर 26 रन कुमार गुंड के खाते में, सबसे अधिक रन्स उन्होंने ही बनाए। कप्तान ने अच्छी पारी खेली। उसके बाद विनीत अच्छा खेले, 7 गेंदों में 14 रन, लेकिन फिर अन्य बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। अजय भोईर ने जरूर दो अच्छे चौके जड़े, आखिरी ओवर में 9 रन बनाकर नाबाद रहे। तो 76 रन बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर अपने निर्धारित 6 ओवर्स में दिनेश इलेवन कुक से टीम ने, और इस पहले मैच को जीतने के लिए मैगी इलेवन के सामने 77 रनों की चुनौती। देखिए कौशल पाटिल का बॉलिंग एनालिसिस देखिए, 2 ओवर 12 रन 4 विकेट। हालांकि इस सीजन का बेस्ट बॉलिंग फिगर ज्ञानेश्वर शिल्के के नाम है चैलेंज के, जिन्होंने 2 ओवर में 11 रन देके 5 पर लिया था इंक्लूडिंग हैट्रिक। पिछले सीजन में 34 हैट्रिक हुए थे, और आपको आज ये पता है कि पंकज माली ने सेमीफाइनल में भी हैट्रिक लिया था बाली ट्रॉफी के, और फाइनल में भी लिया था। हालांकि अक्सर ये चर्चा रही है कि विवेक शेलार, किरण पाटिल सबसे तेज बॉलर्स में से वो गेंदबाज माने जाते हैं, यासिर शेख भिवंडी सिटी क्रिकेट में, लेकिन अब पंकज ने जो वो गेंदबाजी की थी बाली ट्रॉफी में, मेरे नज़र से वो सबसे तेज बॉलर थे। एग्जैक्टली, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर, और आजकल भी वो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों फॉर्मेट में। टेस्ट इज द बेस्ट, BC4 क्रिकेट इज द बेस्ट। BC4 MJ सुपर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप तक लाए ये MJ ट्रॉफी सीजन 5 जो सिटी इमर्जिंग में खेली जा रही है, और MJ सुपर लीग BC4 जो BC4 फॉर्मेट में खेली जा रही है। फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप आप तक लाया है, ऑर्गेनाइज बाय फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप, गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख, कासिम बाबू, तौसीफ काजी, इम्तियाज पापा, असरार अंसारी उर्फ पप्पू, मुनाफ शेख, जमा अंसारी, नियाल जमींदार, आमिर अंसारी, अदनान सैयद, शाहिद खान पड़गा एंड अब्दुल तवाब। जब इतने क्रिकेटर्स किसी लीग या कप के पीछे रहेंगे तो उसका नतीजा सुपर से ऊपर रहेगा। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो वे। चलिए बल्लेबाज भेज देने हैं मैदान में, मैगी इलेवन सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है। आज के मैचेस की रूपरेखा आपकी स्क्रीन पर 70-70 स्पोर्ट्स पर बनी रहिएगा, क्योंकि ढेर सारा रोमांचकारी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। अगला मैच पाइनियर स्पोर्ट्स और मायरा स्पोर्ट्स के बीच में ग्रुप ए का मुकाबला रहेगा, उसके बाद ग्रुप सी की तरफ हम बढ़ेंगे। चैलेंज स्पोर्ट्स और RD 4440 ओली के बीच में ग्रुप सी का पहला मैच, और फिर ग्रुप ए का मुकाबला रहेगा पहले मैच की विजेता टीम और दूसरे मैच की विजेता टीमों के बीच में। उसके बाद पहले मैच की लूज़र टीम और दूसरे मैच की लूज़र टीम के बीच में मैच रहेगा। फिर एक और ग्रुप सी का बड़ा मुकाबला हमजा स्पोर्ट्स बनाम रिद्धि सिद्धि बिल्डर्स कालेर, और फिर आखिर में ग्रुप ए का क्वालिफाइंग मैच। यस, ये है शुभम नाइक 70-70 के। 70-70 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि शुभम नाइक वहां आपको मिलेंगे। मैगी इलेवन के रंचेस की शुरुआत होने जा रही है। फ्रेंड सर्कल ग्रुप की ओर से एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है MJ ट्रॉफी 2024 में, MJ सुपर लीग। प्रारंभिक बल्लेबाज मैगी इलेवन के ओर से यतिन मडवी और उनके साथ प्रणव भोईर। प्रणव ने बहुत ही कमाल का कैच लपका था भावेश पवार का बाउंड्री लाइन के नज़दीक, और पारी की आखिरी गेंद पर भी एक अच्छा कैच लपका उन्होंने। फील्डिंग उम्दा की है, लेकिन अब बल्ले से जौहर दिखाने होंगे। एक अच्छी नींव यदि रखते हैं सलामी बल्लेबाज मैगी इलेवन के लिए, तो निश्चित रूप से ये जो बड़ा टोटल है इसको चेस किया जा सकता है। आज ये सबसे बड़ी बात है कि इस टीम के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो चेस कर सकते हैं।
पहली गेंद लेकर भावेश पवार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, हल्की सी अपील गेंद थाई पर लगी थी लेकिन कहीं ना कहीं शायद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। थोड़ी रुककर भी गेंद आई थी, यतीन मडवी अटपटे अंदाज से खेलना चाहते थे। देखिए फाइक अंसारी आपके पास चिराग माली इन फॉर्म बैट्समैन, 3 गोल्डन सिक्स लगे उसमें चिराग माली का भी नाम है। पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, खूबसूरती के साथ खेला है 6 रन। व्हाट अ शॉट, थोड़ा सा दिल धड़क गया होगा वहां पर, जिस तरह से बल्ले का स्विंग देखिए, गजब का स्ट्रोक यतीन मडवी के बल्ले से। ये खिलाड़ी भी एक एक जब चमका था जब जॉय कुमार में मैन ऑफ द सीरीज रहा था। भावेश पवार गेंद को थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर लेकर जाना चाहते थे लेकिन लेंथ बल्लेबाज के पाले में थी और खड़े खड़े ही थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेला डीप मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर करते हुए यतीन मडवी। सिक्सर से आगाज किया है उन्होंने अपनी पारी का, अब एंगल चेंज करते हुए भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, जबरदस्त यॉर्कर और आउट लेग बिफोर विकेट, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, यतीन मडवी को लौटना होगा पेविलियन में। इसे कहते हैं करारा पलटवार भावेश पवार द्वारा। देखना है कि टो क्रेशर, आजकल भावेश पवार के टो क्रेशर काफी खतरनाक हो रहे हैं, किस तरह से आउट हुए वहां पे यतीन मडवी। सेट बैक टू द पवेलियन, यू कैन सी दियर राइट आर्म राउंड स्टंप्स, परफेक्ट टो क्रशर। यतीन ऑन साइड में गेंद को मोड़ना चाहते थे, सटीक यॉर्कर थी भावेश पवार की और उसका जवाब आखिरकार नहीं ढूंढ पाए। सिक्सर से खाता जरूर खोला लेकिन अगली गेंद पर उनको चलता किया है भावेश पवार ने, 6-1 मैगी 11। नए बल्लेबाज मैगी 11 के कैप्टन आतिश भामरे मैदान में पहुंचते हुए, सही कैलकुलेशन रखना होगा सिद्दीक जी बल्लेबाजों को 77 रनों का पीछा करने के लिए, क्योंकि बॉलिंग में काफी दार है। भावेश पवार के 2 ओवर्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, पूरे सीजन में हमने देखा है कि भावेश पवार भले से बल्ले से उतने इफेक्टिव नहीं रहे जितनी गेंदबाजी से, और आजकल उनके टो क्रशर की चर्चा सभी जगह है। भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें करते हैं, जब यॉर्कर डालते हैं तो बहुत ही तेज डालते हैं, बैट्समैन को समय नहीं मिलता है, गेंदों को टर्न कराने की भी काबिलियत है भावेश पवार में। इस बार ऑन द राइज खेला है, गैप में निकल गई है गेंद, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 2-2 खिलाड़ी वहां पर प्रयासरत, अच्छा स्टॉप बाउंड्री लाइन के करीब, 2 रन लेने का मौका जरूर है। नाइसली प्लेड बाय कैप्टन आतिश भामरे, 2 रन से खाता खुला। देखिए मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम, इसके पास भी बल्लेबाजी की बहुत गहराई है, खासतौर से 2 डेंजरस मैन, माना के फाइक अंसारी इतने अच्छे टच में नहीं है लेकिन चिराग माली वन ऑफ द डेंजरस, फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव किया पॉइंट पे 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 9 रन। आस्किंग रन रेट जो दरकार था जब 77 का पीछा कर रही थी, 12.83 रन प्रति ओवर यानी लगभग 13 के करीब ही है, उस पर जरूर नजरें रखनी होगी बल्लेबाजों को। इस बार ऑन साइड में स्विंग कर दिया है, टाइमिंग लाजवाब और गेंद सीमा रेखा के बाहर, प्रणव के बैट से यह शानदार छक्का। कमाल का स्ट्रोक खेला है प्रणव भोई ने। पिछले सीजन में संजय पाटिल चषक, जब हम अजय 10PL की कमेंट्री कर रहे थे, इसने अर्धशतक जड़ा था, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर प्रणव। भावेश पवार को कड़क जवाब दिया है, 15 रन 1 विकेट। 2 बड़े हिट्स आए पहले ओवर में, यतीन मडवी ने एक छक्का जड़ा था और ओवर की अंतिम गेंद पर प्रणव ने लेंथ को बहुत जल्दी पिक करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में गेंद को उड़ाया और 6 रन प्राप्त किए, खर्चीले साबित हुए भावेश पवार, विकेट जरूर प्राप्त किया। पावर प्ले का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्लेबाजों की स्पष्ट कोशिश है कि पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया जाए, और पावर प्ले के द्वारा यदि सिद्दीक जी 30-35 रन यदि आ जाते हैं तो फिर आसान हो जाएगा थोड़ा सा समीकरण आने वाले ओवर्स में।
पहले ओवर में 15 रन आ भी चुके हैं। डीडी के राउंड को हमने देखा है, दिन में यहाँ फुल ऑफ रन बनते हैं, यहाँ गेंदबाजी भी अच्छी हुई है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है गेंद 70-70 की इस्तेमाल की जा रही है और उसका टैग ही लाइन है लगा तो सिक्स, और अब तक कितने सिक्स लगे, ये इनिंग में दो लगे हैं, पिछले इनिंग में सात सिक्सर लगे थे, यानी कि सात ओवर्स में ही 9 छक्के देखने को मिले हैं। तो छक्कों की मूसलाधार बारिश हो रही है डीडी ग्राउंड बिनार में। 70-70 की गेंद लगा तो सिक्स। विनीत माली बिनार विलेज एंड से दाहिने से ओर द विकेट। पहली गेंद थोड़ी धीमी गति से आई थी, अक्रॉस द लाइन खेला है, डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन है, एक ही रन मिलेगा आतिश को। सकारात्मक सोच नजर आ रही है बल्लेबाजों की और पॉजिटिव इंटेंट रहेगा तो आप अच्छे रन्स बना सकते हो। यदि आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हो तो फिर बॉलर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो ये सही सोच है। और वैसे भी पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले का फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है, मिड ऑफ ऊपर है, मिड ऑन भी सर्कल के अंदर, थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर है। और इस बार तेज गेंद थी और थोड़ी नीची रही, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बैट्समैन को। कमाल की गेंद, विकेटों के ऊपर से गई मेरे ख्याल से, हालांकि हार्ड लेन पे रखी हुई गेंद थी, उछाल कम था। विनीत माली अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं। स्कोर है इस समय 16 रन एक विकेट के नुकसान पर, यहां से और 61 रनों की आवश्यकता है मैगी 11 को मैच जीतने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार खड़े खड़े ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास, कोई गलती नहीं मिड ऑफ पर भावेश पवार द्वारा, बहुत ही अच्छा कैच और ये रही दूसरी सफलता। देखिए भावेश पवार वाइडिश मिड ऑफ पे खड़े थे, उनके बगल से लॉफ्टेड ड्राइव खेलना चाहते थे प्रणव, लेकिन क्या गजब का कैच, ये कैच भी पकड़ते तो लगता नहीं कि बहुत मुश्किल कोई कैच हो। जी हाँ, सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं भावेश पवार, इसीलिए तो इतने मशहूर खिलाड़ी है, हरफन मौला खिलाड़ी है और काफ़ी पॉपुलर। नीचे नहीं रख पाए अपने शॉट को और फील्डर से दूर भी नहीं खेल पाए, मिड ऑफ ऊपर रखा गया था, एक जाल भी वो बिछाया गया था उसमें भी फंस गए हैं। ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया, सामने खेलने के लिए मजबूर किया था वहाँ पर प्रणव को। नए बल्लेबाज सागर कारभारी, एक पावर हीटर का इनका रेपुटेशन है। रनों के मामले में तो अच्छी शुरुआत है मैगी 11 की, लेकिन दो विकेटें जल्दी गवा दी है उन्होंने 16-2 इस समय। विनीत माली लंबे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, अच्छे तीखे यॉर्कर्स डालते हैं, बाउंसर भी उनके खतरनाक होते हैं, कटर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इस बार फुल टॉस है, तगड़ा प्रहार, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कारोबारी नहीं कारोबारी है, ये रनों के कारोबारी है, लूजनर थी और सामने बहुत ही जबरदस्त हिट, प्लेंटी ऑफ पावर बिहाइंड स्ट्रोक, ट्रेमेंडस टाइमिंग, 6 रन, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 22 रन। आज ही आपको लगता नहीं मैच जिस तरह से आगे जा रहा है, कुड बी अ फोटो फिनिश मैच। जी हाँ, उसी की तो उम्मीद है, BC4 फॉर्मेट का क्रिकेट है तो ज़रूर हर मैच में ये उम्मीद की जा सकती है कि काफ़ी क्लोज इनकाउंटर्स देखने को मिले, आखिरी ओवर तक आखिरी गेंद तक संघर्ष देखने को मिले। अब 22 रन तो बन चुके हैं और 55 की आवश्यकता है, लेकिन पार्टनरशिप मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर मैगी 11 के लिए। एकाध बड़ा स्ट्रोक खेलने से आप मैच नहीं जीतने वाले हो, आपको क्रीज पर टिकना भी होगा। शुरुआत अच्छी की है, सिक्सर के साथ खाता खोला है खुद का बल्लेबाज सागर कारभारी ने, और पहली गेंद पर आपको यदि मौका मिलता है ऐसा फुल टॉस गेंद खेलने का तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है यदि आप छक्का जड़ते हो तो। विनीत एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, आगे निकलकर इस बार ओहो कमाल का शॉट थ्रू द लाइन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, 6 रन, चमाट शॉट। आइए देखते हैं क्या परफेक्ट खेला है, नॉट इजी, आप फ्रंट फुट पे कमिट हुए हैं, वहीं से गेंद को उन्होंने फेंक दिया, क्या जबरदस्त फोर्सिंग स्ट्रोक है, जबरदस्ती में जबरदस्त शॉट, 6 रन। और सागर कारबारी
कि आज काफी तीखे तेवर दिख रहे हैं। निकल के मारा है फ्रंट फुट पर वजन लेते हुए, बैक फुट हवा में झूलता हुआ आड़े बैट से सामने प्रहार किया और 6 रन। हरीश रऊफ को याद होगा वो शॉट जो विराट ने खेला। इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन, इनसाइड एज लगा, किस्मत अच्छी है बल्लेबाज की गेंद स्टंप्स की तरफ नहीं गई, कोई रन नहीं इस गेंद पर। और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। मैगी 11 की शुरुआत काफी अच्छी है, रन संख्या 28 दो विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल काफी खुश लग रहे हैं डगआउट में मैगी 11 के मेंटोर शाहिद अंसारी। देखिए लंबा बैटिंग लाइनअप आना बाकी है, हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक का आना बाकी है, बिग बर्ड चिराग का आना बाकी है। दो ओवर में रन बने कुल मिलाकर 28, यहाँ से 24 गेंदों में 49 चाहिए। आप देख रहे हैं एमजे सुपर लीग, स्वागत है सुहानी शाम में आप सभी का, ऑर्गेनाइज बाय फ्रेंड सर्कल ग्रुप, यसुद्दीन शेख, बिलाल शेख, कासिम बाबू, तौसीफ काजी, इम्तियाज पापा, असरार अंसारी, मुनाफ शेख, जमा अंसारी, नियाल जमींदार, आमिर अंसारी, अदनान सैयद, शाहिद खान एंड अब्दुल तवाब आप तक लाए हैं। खेल की शुरुआत होती भी मरता क्या ना करता, भावेश पवार कंटिन्यू, यरी गो बोस्टो आते दिस टाइम इज इन दी एयर, भावेश पवार अंडर इट एंड टेकन, व्हाट अ प्लेयर इज आतिश भामरे ऑन हिज वे। भावेश पवार की जगह शायद कोई और दूसरा गेंदबाज होता तो ये कैच उतना आसान नहीं बनता, लेकिन यही भावेश पवार है, यही उनका जलवा है। कितने आसानी से उस कैच को समाप्त किया है उन्होंने, गेंद डिलीवर करने के बाद पीछे मुड़े और काफ़ी दूरी तय की थी उन्होंने गेंद तक पहुंचने के लिए, लेकिन बढ़िया जजमेंट, सुरक्षित हाथों की जोड़ी और गेंदबाजी भी कमाल की। थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ कटर किया था, मिस टाइम कर बैठे अपने शॉट को। आतिश हमारे बीच ऐतिहासिक सरपंच और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ BC4 अल्ताफ बाली सर का आगमन हो चुका है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट। न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। वेलकम अल्ताफ बाली सर, MJ सुपर लीग में आपका स्वागत है। कमेटी में दो नाम और हैं, शायन अंसारी और जैन खान। खेल की शुरुआत, भावेश पवार ने ये दूसरा विकेट लिया है, सामना करेंगे नया चिराग माली, व्हाट अ प्लेयर इज। पहला ही मैच, देखिए BC4 फॉर्मेट के बारे में एक ही बात है, ये पूरे भारत देश का पहला फॉर्मेट है जो वेल ऑर्गेनाइज है सिटी क्रिकेट में। फुल टॉस गेंद, बैठक खेला है, पीछे खिलाड़ी है, देखते रह गए 6 रन, क्या शॉट खेला है। मिस डायरेक्टेड यॉर्कर भावेश पवार द्वारा और सही दिशा दिखाई है, बहुत अधिक ताकत तो नहीं झोंक पाए थे लेकिन टाइमिंग अच्छी थी और लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद को निकालने में कामयाब रहे। ये देखिए केवल दिशा दिखाने का काम किया था वहां।
आखिरकार कंफर्मेशन आया है अंपायर द्वारा कि बल्ला लगा है। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन। अब यहां से और 26 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए मैगी 11 को। 16 गेंदें शेष। कमल का चेसिंग हो रहा है। ओ बढ़िया गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। किशोर मुकादम ने झुक कर खेला फिर भी कामयाब नहीं हुए। आर्यन भोईर खासा प्रभावित करते अपनी गेंदबाजी से। पायनियर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही उनकी। और अब इस सीजन में धनेश 11 के लिए खेलते हुए अच्छे यॉर्कर्स डालते हैं, अच्छे रफ्तार के साथ बॉलिंग करना पसंद करते हैं। 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। पहला ही मुकाबला बहुत ही कट टू कट आप देख रहे हैं। उछाल दिया है मुकादम का आसमानी टोला, 6 रन। शॉट में था काफी दम और रन्स मिले हैं मैक्सिमम। बल्लेबाज है मुकादम, किशोर मुकादम, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकले, ये गेंद जरूर स्लॉट में दी और क्रॉस बैटेड, हल्का सा क्रॉस बैटेड आप कह सकते हो, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था डीप मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का। अब यहां से केवल 20 रनों की आवश्यकता है, 14 गेंदें शेष। कैफ राइज भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, डील हो रही है सिर्फ सिक्सर में। 57 रन पहले मैच में, गेंदबाज सोच रहे हैं और इसमें फिर कौशल पाटिल ने हैट्रिक किया तो ये 100 मार्क्स उनको जाते हैं। जी हाँ, उनका स्पेल तो अद्भुत रहा, 8 छक्के अभी तक इस पारी में लग चुके हैं। आर्यन मुकादम को स्विच हिट किया, पॉइंट पे खिलाड़ी स्ट्रोक के साथ निकल पड़े 1 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है। एन इवनिंग इन भिनार, एन इवनिंग इन MJ सुपर लीग। अब समीकरण 13 गेंदे और 19 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं दबाव इस समय बढ़ता जा रहा है धनेश 11 कुक्स टीम पर। किफायती गेंदबाजी की आवश्यकता है, विकेटों की सख्त जरूरत है धनेश 11 कुक्स टीम को। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, क्या शॉट खेला है, लेफ्ट स्वीप किया, गेंद बल्ले से निकली, 6 रन थे। कहीं ना कहीं धनेश के कैप्टन अब चिंतित नजर आ रहे हैं कुमार गुण, क्योंकि ओवर समाप्त हो गए 4 और कुल स्कोर है 64। यहां से कितने चाहिए आसिफ, 12 और 13। जी हाँ, समीकरण काफी आसान हो गया है, 12 गेंदों में 13 रन चाहिए। हालांकि धनेश 11 टीम इतने आसानी से घुटने तो टेकने वाली नहीं है, यहां से भी पलटवार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल पलड़ा भारी नजर आ रहा है। MJ सुपर लीग 2024 के पहले मैच में मैगी 11 का, 12 गेंदों में सिर्फ 13 रन चाहिए। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए केवल लैप स्वीप किया था, ज्यादा ताकत नहीं जोकी थी, टाइमिंग अद्भुत देखने को मिली। अजय 6 गेंदों में 25 बनाए, आपको चारों शॉट में से कौन सा अच्छा लगा? मैं तो कहता हूँ एक से बढ़कर एक। अल्ताफ बाली सर हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। ऐतिहासिक सरपंच खोनी खारीपार ग्राम पंचायत, एक्स BC4 प्रेसिडेंट। देखिए एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स देखने को मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है विनीत माली के विरुद्ध शॉर्ट पिच गेंद पर जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का जड़ा था वो अभी तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक है। वैभव पाटिल अब गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, एक बहुत ही किफायती ओवर की जरूरत है मैच में वापस लौटने के लिए धनेश 11 को। तेज तर्रार गेंद, अच्छी गेंद, गलत लाइन पर खेल बैठे, पूरी तरह से बीट हुए, ऑफ स्टंप के बाहर किशोर मुकादम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोर्टिंग रोल करने वाला चल जाता है, कहीं वैभव चल तो नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई बार हम देख चुके हैं पार्ट टाइमर गेंदबाजों ने मैचेस जिताए हैं। वैभव अपने गाँव के टीम के लिए तो रेगुलर गेंदबाजी करते हैं। इस बार ऑन द राइज ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है स्वीपर कवर में, फील्डर मौजूद है, ऐसे पहले कि फील किया जाता है, 1 रन लेने का मौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल के चलते 65 रन। अब 12 रन चाहिए, 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है, मैच में अभी भी कशमकश है। भले ही जो बैटल ऑफ सिक्सेस है उसको तो जीत लिया है मैगी 11 के बल्लेबाजों ने, लेकिन खेल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, और इस बार तारामंडल में भेज दिया गेंद को सागर कारबारी के बल्ले से, एक और दमदार हिट, 6 रन। चाय की प्याली में सागर कारबारी नजर आएंगे आज जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और धनेश 11 के पीछे सागर लगे हुए हैं, BC4 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सागर तरे थे और अब यहाँ पर सागर कारबारी है MJ ट्रॉफी में।
पांच छक्के जड़ चुके हैं। 31 पर बैटिंग करते हुए मात्र 7 गेंदों का सामना किया है। जीतने के लिए केवल 6 रनों की आवश्यकता है। जीत की दहलीज पर मैगी 11। और क्या कमाल का पलटवार रहा है मैगी 11 का। मैच की जब शुरुआत हुई थी तो धनेश 11 काफी फेवरेट नजर आ रही थी। 2 ओवर में 40 रन बने थे। इस बार क्रॉस द लाइन खेला है, बल्ले के अंदर लगी है, गेंद तेज ट्रैवल कर रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन लेने का मौका। सिंगल की मदद से स्कोर 72, 4 विकेटों के नुकसान पर। और ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई है। चौथा विकेट जब गिरा था तब स्कोर था 38 रन, यानी कि 34 रनों की साझेदारी 5वें विकेट के लिए किशोर मुकादम और सागर कारबारी के बीच में। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, ये चली हवाई यात्रा पर, ये चली मैदान के बाहर, और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है मैगी 11 ने। एमजे ट्रॉफी का आगाज शानदार तरीके से किया है मैगी 11 ने। धनेश 11 कुक से टीम को दी है मात। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मांगीलाल पालीवाल एंड मैगी 11, हार्ड लक धनेश 11 कुक से। 5वें ओवर में ही फतेह हासिल की है, 77 रनों का लक्ष्य छुआ गया है। और ये रहा बैटिंग का टॉप स्कोरर सागर कारभारी, 8 गेंदों में 32 रनों की धुआंधार पारी, 7 गेंदों में 20 रन बनाकर किशोर मुकादम नाबाद रहे। हालांकि टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे वो जल्दी जल्दी आउट हुए थे। यतीन मडवी और प्रणव बोईर 6-6 रन बनाकर आउट हुए थे। कैप्टन आतिश भामरे सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए थे। थोड़ी नाजुक अवस्था थी लेकिन आक्रामक सोच बल्लेबाजों की, और जिसके चलते 6 विकेटों से आखिरकार एमजे सुपर लीग का यह पहला मुकाबला मैगी 11 ने जीता है। गेंदबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी निराशाजनक रही। आर्यन बोईर 1 ओवर में 20 रन, भावेश पवार भी काफ़ी खर्चीले साबित हुए, 2 ओवर में 31 रन, हालांकि 3 विकेट जरूर चटकाई। वैभव पाटिल 14 रन 5 गेंदों में दिए। विनीत मालिक 1 ओवर में 13 रन आए। अजय बताइए कि मैन ऑफ द मैच कौन आए? नो डाउट कौशल पाटिल, 2 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट्स। थैंक यू अजय, एन इवनिंग इन भिनार एंड एन इवनिंग इन एमजे सुपर लीग। आइए दोस्तों, इस वक्त पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़े हैं, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ हाजी जलालुद्दीन शेख प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहाँ पे आप देख सकते हैं आरके फ्रीट, एमजे स्पोर्ट, BC4, पाइनियर स्पोर्ट, BKC, 7070 रोकड़ा रास्ता, रॉयल दरबार, अंजुमन स्पोर्ट और फ्रेंड सर्कल। हम सभी स्पॉन्सर के विशेष धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मांगीलाल पालीवाल, फैम टीम के कातिल गेंदबाज कौशल पाटिल, 2 ओवर 12 रन और इंक्लूडिंग हैट्रिक 4 विकेट। इस प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा शादाब कुतकर साहब, आसिफ चिमनाट और असरार अंसारी उर्फ पप्पू। इन तीनों से रिक्वेस्ट है कि हमको आपको हमारे प्रेजेंटेशन पार्टी से जुड़ जाना है। वेलकम मापोली की मशहूर पर्सनालिटी शादाब कोतकर, वेलकम असरार अंसारी, वन ऑफ द ग्रेट स्पॉन्सर एंड कैप्टन ऑफ हमजा, एंड बहुत ही मशहूर क्रिकेटर अर्जोली के आसिफ चिमनाट। आइए कौशल, आपको तुरंत ही जुड़ जाना है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत कर रहे हैं, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी। और सबसे पहले राजा मानुस करसन फ्लोरे स्पॉन्सर।